क्या आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके राशिफल में गर्लफ्रेंड का योग है या नहीं? क्या आप गोपी और अहम की लड़ाई से तंग आ गए हैं? क्या नेताओं के वादों से आपका विश्वास उठ गया है? क्या आप तैमूर की पोटी को और नहीं देखना चाहते? शॉर्ट अटेंडेंस का डर हो या बेरोजगारी का डर, आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज की सभी खबरें सिर्फ एक न्यूज ऐप पर। नमस्कार, मैं हूं अपने घर वालों को लल्ला, आपके जिगर का छल्ला, आपका अपना अंकित कुमार। तो आइए ले चलते हैं आपको आज के पहले समाचार की ओर। इंजीनियरिंग छात्रावास में एक और छात्र हुआ जीपीएल का शिकार। अधिक जानकारी के लिए हम संपर्क करेंगे अपने संवाददाता शशांक शेखर। दर्शकों, जैसे आप देख सकते हैं, हम घटना स्थल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे जीपीएल को अंजाम दिया गया है, और यहाँ पे हम पीड़ित के पास चलते हैं। मैं पीड़ित छात्र ऋषभ गुप्ता के साथ हूँ, तो आइए जानते हैं उनकी दर्दी कहानी पीड़ित की जुबानी। क्या बताए भैया, बहुत मारे हैं सब, बहुत बहुत मारे हैं। कोनो चप्पल से मारा, डंडा से मारा, कोनो बेल्टों से मारा। इनके दर्द का सिर्फ एक ही जवाब है, गुप्ता जी सूजी है। क्या इस प्रथा पर लग पाएगा विराम? इसका जवाब तो आने वाले समय पे ही मिल पाएगा। आइए ले चलते हैं आपको अगले समाचार की ओर। बड़ी खबर आ रही है छात्रावास मैच से। कोरोना वायरस के तोड़ मिलने का दावा किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करेंगे संवाददाता शशांक से। दर्शकों, हम लोग इस मैच में पहुंच चुके हैं जहां के मैच ने कोरोना का तोड़ निकाल लिया है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सराहा है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या बनाया कि कोरोना का तोड़ निकल गया। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे हमारा खाना कोरोना को काटता है। मेरी भारत सरकार से गुजारिश है, इन खानसामों को इंजीनियरिंग कॉलेज से निकाल कर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो नवयुवकों में बहुत तेजी से फैलती जा रही है। इस वायरस को कन्फेशन के नाम से जाना जा रहा है। चाहे सीनियर से हो लड़ाई या जूनियर से हो प्यार, हर कोई यूज कर रहा है ये औजार, नाम है कन्फेशन। अब अध्यापिकाएं भी हो रही शिकार। अब बात करते हैं कुछ चुलबुले कुछ खट्टी मीठी खबरों की। छात्रावास ने छात्र ने पॉइंटर के लालच में रचाया षड्यंत्र। अबे ये इतना पढ़ रहा है, ऐसे तो बेस्ट स्टूडेंट है वो, इसके पास चला जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अंत में महत्वपूर्ण सूचना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम इक्लेक्टिका का आगाज। आपको बता दे, ये सेंट्रल इंडिया लार्जेस्ट फेस्ट कहा जाता है, छात्रों में उत्साह देखते ही बन रहा है। धन्यवाद। ऐसी मसालेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करें MDH न्यूज ऐप, दे आपको मसाले से भी मसालेदार खबरें।